बिहार में INTIA की बड़ी मुसीबत, पप्पू यादव को लेकर फंस गया पेंच। कांग्रेस का पप्पू यादव के लिए प्रेम, पुरुलिया सीट को लेकर क्या प्लान। बिहार में सियासी घमासान मचा है। NDA के लिए जहां पशुपति पारस मुसीबत बनते दिख रहे हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन में तनातनी भी नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि अभी तक सीट शेयरिंग पर बात ही नहीं बनी। हालांकि तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि अपने आखिरी चरण में चल रही है सीट शेयरिंग की बात। बिहार में एक ओर चिराग ने अपनी LGP का चिराग जला लिया, तो दूसरी ओर लालटेन की रोशनी अभी धीमी नजर आ रही है, क्योंकि हाथ ने जैसे ही एक सीट की ओर हाथ बढ़ाया, वैसे ही लालटेन ने रोशनी कम कर दी है। अब सवाल है कि कम रोशनी में INTIA दिखेगा कैसे और राजनीति का माल बिकेगा कैसे। NDA और INTIA में शामिल दलों को अपना राजनीतिक दाम लेना है, अपने अपने माल तैयार किए, लेकिन किन किन क्षेत्रों में कौन बेचेगा यह भी तय नहीं हो पा रहा। यह लाइनें वैसे ही हैं जैसे आज चिराग के चाचा ने 5 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद अब आचार संहिता लागू होते ही नाराजगी जाहिर कर दी और इस्तीफा भी दे मारा। तो दूसरी ओर मोदी को हराने के लिए बना INTIA गठबंधन भी अपने सीटों पर सामंजस्य बना नहीं पा रहा है। सर पर चुनाव है, तारीखों का दाव है। जब प्रत्याशी और सीट पर बात नहीं बनेगी तो खेल कैसे शुरू होगा यह फिलहाल नहीं समझ आ रहा। खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने बेगूसराय, कटिहार के अलावा पुरुलिया लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव के लिए पुरुलिया सीट चाहती है। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन फिलहाल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद भी हैं। यानी पप्पू यादव की इस गठबंधन में पेंच बने हुए हैं। ये पेंच बात बनने के बाद ही खुलेगा। दूसरी ओर 40 सीटों को जीतने का दावा करने वाली NDA की ओर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 17, जदयू को 16, चिराग पासवान की पार्टी को 5, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 1-1 सीट दे दी गई है। चाचा पशुपति पारस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और पारस ने इस्तीफा दे दिया। अब सवाल है कि जब NDA की ओर से तैयारी कर ली गई है, तो NDA को हराने के लिए बना INTIA गठबंधन किस बात पर विचार कर रहा है? क्या देरी होने से उसे लाभ होगा या फिर नुकसान? किन क्षेत्रों में कौन प्रचार करेगा ये तक तय नहीं है। आखिर INTIA NDA के साथ लड़ेगा कैसे? सवाल है कि जब तक सीट शेयरिंग नहीं, तब तक किसी दल को मालूम नहीं कि वो किस सीट पर अपनी हिस्सेदारी करेगा। बहरहाल इस खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।